आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। मऊ अमृत महोत्सव के समापन को लेकर आज शारदा नारायण हॉस्पिटल एम्बुलेंस संस्था व अन्य विभागों द्वारा गाजीपुर तिराहा से होते हुए सिंधी कॉलोनी शहीद स्मारक तक जुलूसम की शक्ल में नारे लगाते हुए ले जाया गया, जहां लोगों ने जमकर नारा लगाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम की आवाजों से पूरा नगर गूंज उठा और दुखी राम कालिका प्रसाद के स्मारक पर जुलूस समाप्त हुआ शारदा नारायण के। प्रोप्राइटर डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि हम सब एक हैं और इसी तरह हम सभी को एकजुट होना चाहिए। जहां हम अपने देश की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई और इसी तरह से बना रहना चाहिए। वही एम्बुलेंस के अध्यक्ष तिवारी जी ने कहा कि हम एम्बुलेंस के साथी तन मन धन से भारत माता की सेवा करते रहते हैं और वही अपने देशवासियों को 24 घंटे बीते रात एम्बुलेंस की सेवा देते रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सारा भारत एकजुट होकर के भारत माता की जयकार। डॉक्टर संजय सिंह साहब का जो प्रतिदिन उसका कुछ अपना जो योगदान अपना देते रहे, उनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शहरवासियों को समर्थन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक है इसी तरह के हर समय एक रहे और जहाँ भी भारत की सम्मान मान की बात आए वहाँ हम मिलकर एक हैं। हम आयु सेवा समिति के सारे सदस्य को आज इंडिया एम्बुलेंस के सिस्टम के मंडल प्रधान सब सारे हमारे चीज हमारे साथ आई है और गाजीपुर किराए से लेकर शहीद स्मारक तक सभी लोग हमारे साथ आए हैं और सारे साधन रायन के बच्चे सब लोग मिलकर एक और एक यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे देश की जनता है तो सारे लोग एक मिलकर हों, देश के लिए जो भी करना रहे हम समर्पित रहें। क्यों नहीं हमको अपना बलिदान दे देना पड़े, लेकिन हम देश के लिए एक एक भारत माता की जय। भारत माता।